राजस्थान की राजनीति में जयपुर राजघराना हमेशा सुर्खियों में रहा। मौजूदा वक्त में दिया कुमारी अपनी दादी गायत्री देवी और पिता ब्रिगेडियर भवानी सिंह की तरह ही एक्टिव नजर आती हैं। गायत्री देवी पहला लोकसभा चुनाव 1962 में रिकॉर्ड मतों से जीतकर जयपुर की सांसद बनी। उस वक्त उनकी जीत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई। कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने उन्हें कांग्रेस से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया और लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को हराया। 1967 में उन्होंने मालपुरा से विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गई। वो एक करिश्माई महिला थी और वो राजगोपालाचारी से प्रभावित होकर राजनीति में आई, स्वतंत्र पार्टी में ज्वाइन की। संसद में उनका ध्यान लोगों का तब आकर्षित हुआ जब उन्होंने नेहरू पे चीन के मुद्दे को लेके आक्षेप किया, तंज कसा, और बाद में उनके इंदिरा गांधी से भी विरोधाभास रहे और उनको इमरजेंसी में इन्हीं विरोध की वजह से जेल जाना पड़ा था। कहा जाता है कि जयपुर राजघराने पर छापे भी पड़े। 5 महीने बाद जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली। गायत्री देवी के बाद उनके सौतेले बेटे ब्रिगेडियर भवानी सिंह ने 1989 में कांग्रेस के टिकट पर जयपुर सीट से चुनाव लड़ा, जबकि इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस सरकार ने भवानी सिंह को जेल में डाल दिया था। ब्रिगेडियर भवानी सिंह के सामने बीजेपी ने बिल्कुल साधारण से प्रत्याशी गिरधारी लाल भार्गव को टिकट दिया। गायत्री देवी ने गिरधारी लाल भार्गव को विजयी भव का आशीर्वाद भी दिया। पहली बार में ही चुनाव हारने के बाद भवानी सिंह का राजनीति से दिल भर गया। ब्रिगेडियर भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी 2013 में राजनीति में एक्टिव हुई। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने दिया कुमारी को बीजेपी ज्वाइन करवाई और सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से टिकट मिलने पर उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा को मात दी, जो वर्तमान में बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद वो 2019 के लोकसभा चुनाव में राजसमंद से जीतकर संसद में पहुंची। एक बार फिर से बीजेपी ने दिया कुमारी को जयपुर की विद्याधर नगर सीट से प्रत्याशी बनाया है। यही नहीं, उन्हें सीएम फेस के रूप में भी देखा जा रहा है। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर आपके साथ।